सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बोला था हम ना भाई शेर देखने जाएंगे, तो अभी फिलहाल ना गाइस नैनीताल तक पहुंच गए हैं और हम ना भाई गुलदार जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे शेर ना घूमते रहते हैं। तो हम सारे ना भाई लड़के लड़के आए हैं सारे। गाइस वहां पे ना भाई बहुत ज्यादा रिस्क है, चले चलो 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 चलो। भाई साहब ए गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी बैठो। गाइस वैसे ना भाई नैनीताल बहुत ज्यादा सुंदर है। ओ भाई गाइस फिलहाल हम खा रहे खाना, आज खाने में रोटी और दाल। गाइस हमने ना भाई पानी का जुगाड़ भी कर लिया है, आदमी का जुगाड़ भी कर लिया है, शेर आगे आएगा ना ये खिला देंगे। हेलो गुड इवनिंग मैम, कार्तिक बोल रहा है। यस मैम, और मुझे ना आपकी वो जो मैथ्स की बुक है ना वो चाहिए मुझे। ये पढ़ता ही नहीं था, बुक उसी से ही मांगेगी। नहीं करता तो नहीं करता, नहीं करता गाइस। अभी ना भाई चीनू की क्लास टीचर का कॉल आया था, मैम ने इसकी बुक मांग रही थी। अब ये कह रहे मैं ना पढ़ाई करता हूँ इसलिए मैम बुक मांग रही थी। मैम को कॉल करते हैं। हेलो नमस्ते मैम, ताले ये पढ़ता भी है कि नहीं मैम? पढ़ता तो कुछ ही नहीं, आपका पेंडिंग वर्क ले जाता है बहुत ज्यादा। ये कह रहा था कि पिछले बुक मांग रही है, क्या है ना मैं बहुत पढ़ता हूँ ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट नहीं रहता है तो। अब क्या हो गया? अब गाइस मैम भी हंसने लग गई है पढ़ाई के नाम पे। तो गाइस अभी फिलहाल 4:30 हो गया है, अभी तक जाने लग रहे हैं, पहुंचे नहीं है, तो पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी 5 बज गए हैं, फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हैं। भाई ये वाला घर है जहाँ पे हम रुकेंगे रात को। भाई साहब शेर है ना वहाँ पे, वो नीचे पानी पीने आता है यहाँ पे। गाइस शेर ना भाई यहाँ पे पानी पीने आता है सामने नदी में, और यहीं पे हम रुकेंगे। बाहर बैठ के देखें, बाहर तो ले जाएगा, भाग जाएंगे एकदम से अंदर आएगा तो। अरे हमसे गाइस यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ढलान है। अरे जानबूझ के गिरा है। गाइस ना भाई बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, शेर की गुफा सामने है और वो ना भाई यहाँ पे पानी पीने आता है। गाइस जिसका ये घर है ना भाई इन्होंने ना भाई पिटबुल भी पाल रखा है शेर से बचने के लिए। ये रहा भाई पिटबुल। तो गाइस अभी ना भाई नीचे जा रहे हैं पानी के पास जहाँ पे शेर आता है। उसका पानी पीने का टाइम हो गया तो आगे तो आ गया, हमें क्या कहेगा, स्पीड में भागेगा वो। मैं तो तुमसे आगे भागूंगा बस। ओ भाई साहब, अरे सच में क्या, ओ भाई शेर आ गया, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ जल्दी। गाइस अभी अभी ना भाई शेर दिखा था मैं। तो गाइस अभी फिलहाल 6 बजे से ऊपर टाइम हो गया है और जो यहाँ के गाइड है ना वो कह रहे हैं भाई शेर दिखा के लेके आ रहे हैं। तो गाइस ये हमारे भाई है भाई, ये दिखाने ले जा रहे हैं मैं शेर। और गाइस मैं ये सोच रहा हूँ पैंथर को पहाड़ों में लेके आए, टाइगर दिखाने उसको भी। ये देख लो गाइस ये क्या जा रखा, हम ना गाइस डीप जंगल में आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे भाई कोई भी गाड़ी नहीं जाती। भाई उतरो मत, उतरो मत भाई साहब। पीछे क्या हो गया, क्या हो गया गाइस? ये भाई ना भाई बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है, शिकार पर होगा तो फेल देगा मेरे को। बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही गाड़ी से, शेर पकड़ के ले जाएगा। पहाड़ों के अंदर जाते जा रहे हैं, शेर किसी को नहीं छोड़ता। गाइस बहुत ज्यादा अंदर आ चुके हैं भाई, क्योंकि लाइट देखते ही वो भाग जाते हैं ना। अभी ना हम भाई जंगल के बहुत ज्यादा डीप आ गए हैं, अभी तक तो शेर दिखाई दिया नहीं हमें। भाई स्पीकर रख देते हैं और स्पीकर में ना बकरी की आवाज चलाते हैं, तब देखते हैं भाई शेर आता या नहीं आता। भाई ये आवाज ठीक है। ये देखो गाइस जंगल के डीप में ना मंदिर बना रखा है, एक और मंदिर आ गया सेम टू सेम वैसा ही, हर स्पॉट में मंदिर बना रखे हैं यहाँ पे। तो गाइस मानस अभी जा रहा है स्पीकर रखने, लाइट बंद रखो। किधर किधर है, खोल मत ना इसको, अरे यहाँ पे बैठा था इधर। गाइस अभी ना भाई शेर दिखा था मैं, फेंक दे स्पीकर नीचे। वो ना मैं देख रहा था घूर घूर के नीचे, ये भूरी भूरी झाड़ी पे वो सफेद वाली दीवार के वहाँ गया भाई। ये देखो टांग दो इन पे, टांग दो स्पीकर लगा दिया हमने, और अब देखते हैं भाई यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, चलाओ लाइट चलाओ। नहीं नहीं ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई शेर, ओ भाई साहब, चलो ओ
नीचे भाग गया। चलो चलो चलो, ट्रोल चलाना, ट्रोल चलाना। सारे आगे, चलो पीछे बैक लो, बैक लो जल्दी गाड़ी। वहाँ पे जानवर मार रखा है उसने। तीन चार शेर इकट्ठे हो गए। लिटरली जंगल के अंदर आ रखे और सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ये घूम रहे टाइगर और लोमड़ी वगैरह सब। गाइस अभी ना भाई लोमड़ी भागने लग रही है और शेर ना भाई लोमड़ी को ढूंढने लग रहा है। ये पूरा एरिया है शेरों का। निकल निकल ले यहाँ से बेटा। यो भाई साहब, ये जंगली खरगोश। तो गाइस अभी वापस घर के साइड आ गए हैं जहाँ पे रुके हम। यहाँ आसपास ये देखो भाई सारा सन्नाटा है, जंगल के बीच में रुके हुए हम। आराम से चलो भाई। भैया बता रहे भाई यहाँ पे अभी अभी जस्ट आया था शेर। तीन लेपर्ड गाइस यहाँ पे अभी अभी शेर आए थे भाई साहब। इन भाइयों ने ये कुत्ते पाल रखे हैं। गाइस ये ना भाई वार्निंग देते हैं जब शेर आता है, ये सबको बचाते हैं। ये कितना प्यारा है। तुमने ना भाई घर पे आके भी बकरी की आवाज चला दी। और गाइस ये देख रहे भाई यहाँ पे शेर आएगा या नहीं आएगा। भैया बहुत ही दहाड़ मार रहा है। रानी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। एक मिनट एक मिनट हट के। गाइस शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही है। चल चेक करके आते हैं, चेक करके आते हैं। तो गाइस अभी 10:30 बज रहे हैं और गाइस अभी खाना खाएंगे। जी हमारे भाई एक खाना बना रहे हैं। गाइस सब्जी वगैरह सब बना दिया भाई ने और रोटी वगैरह हम सब मिलके बना रहे हैं। कितनी सारी रोटी बना दी हमने। तो गाइस फिलहाल हम खा रहे हैं खाना। आज खाने में दाल, आलू पालक और रोटी। खाना तो खा लिया है। और गाइस यहाँ पे ना भाई रात काटनी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि शेर का डर है। यहाँ पे ना भाई कुंडी भी नहीं लग रही है, ये खुला है, कुंडी खराब है। यहाँ घूमेगा एक बार तो इसने शीशे में भी अटैक करा, उस पे जंप करा उसने। इस शीशे पे अटैक कर दिया था शेर ने यहाँ से। फिर यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट शीशा है ना, दो पिटबुल थे, एक पिटबुल को ले गया मैंने बहुत ढूंढा। वो आवाज आई यहाँ से आधे किलोमीटर ऊपर। क्या अब ये देख लो गाइस भाई के पास ना दो पिटबुल थे, एक को तो शेर लेके चला गया और ये बच गया बस। इसका नाम कुडो है। गंद वाली खुशबू आएगी ना तो मतलब आसपास लेपर्ड है, बहुत ही गंदी बदबू आती है। गाइस भाई कह रहे हैं जब भी लेपर्ड आएगा ना तो आसपास ना बहुत गंदी वाली बदबू आने लग जाएगी। ये कहाँ से आ गया भाई पोटी? ये बात तो सही है, दोनों कुत्ते सो रहे हैं। ये क्या हो गया अचानक? सीन हो गया अचानक से, बहुत गंदी बदबू आने लगी। उसको ना पकड़ ले, उसको गेट को पकड़ ले। सारी अजीब अजीब चीजें हो ही जा रही है। कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है ना कुछ भैया? वो उसके लिए होंगी जो मानता है। चेक करवा, हमारे दादा नाना थे ना वो भूतों को कैप्चर करके काम करवाते थे, रात में खेत जुतवा देते थे। है? उनको पता था ना ये क्या बोलती भाई? अगर इसके सबूत चाहिए आपको, आप यहाँ से सोमेश्वर चले जाना। गाइस मेरे को ना भाई एडवेंचर करना था, जहाँ पे हम आए हैं ना ये अलग ही लेवल का एडवेंचर है। गाइस ये देख लो लिटरली आज हमने स्पीकर लगाया, बकरी की आवाज निकाली और शेर बुला लिया। गाइस वैसे एक चीज बता देता हूँ, हमने अपनी पूरी सेफ्टी पे करा था, कुत्ता भेड़िया वगैरह ये सब अलग चीज है और शेर अलग चीज है। तो हमने तो भाई सेफ्टी के साथ किया है। तुम कभी ट्राई मत कर लेना ऐसे शेर बुलाने की, जो हम गाड़ी का शीशा डाउन कर रहे थे ना और हाथ बाहर निकाल रहे थे, पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे थे। गाइस शेर हाथ पकड़ के भी खींच लेता बाहर और खींच के ले जाता है। उनका कलर भी ऐसा कि कहीं से आ जाए पता भी नहीं लगता। बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कहाँ कितनी देर बैठना है। चुपचाप आ जाता है, पता भी नहीं चलता, एकदम आगे से आ जाते हैं। कल गाइस पैदल पैदल जाके ना शेर की गुफा देख के आएंगे। ये देख लो गाइस आज ना भाई यहाँ पे सोएंगे, ये चार बेड है। बाकी गाइस ये जो जगह है ना इसके चारों तरफ शेर रहते हैं। आज पूरी रात ना डर में गुजरेगी। गाइस आज रात को ना भाई पहरा देंगे। तो गाइस अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ एडिटिंग, 1 बजे से ऊपर टाइम हो गया है। एडिटिंग के साथ साथ मैं पहरा भी दे रहा हूँ, सारी जगह मैं नजर रख रहा हूँ, मैं देखता रह रहा हूँ बाहर कोई आ तो नहीं रहा। छुट्टू जा पहरा दिया, तेरी बारी आ गई। तो अभी फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।